नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 3 डेज का एक सेमिनार अटेंड करने की वजह से आपके कुछ समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन उस दरमियान मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मेंशन किया कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स कर दो, मैं आपको एक ही दिन लाइव आके या वीडियोस के माध्यम से वो सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं कि लगभग उस पोस्ट में कितने कमेंट्स आए हैं, और उस कमेंट में अगर आपका भी कमेंट है या आपकी समस्या किसी और ने कमेंट किया है, तो हम लोग इस एक वीडियो में उन तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो बीएचयू पाठशाला की हम लोगों ने कम्युनिटी में डाला था, ये कम्युनिटी है जिसमें देखो ऑफिशियल नोटिस भी मैं डालता रहता हूँ कुछ जो आपके रहते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए मुझे। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे लाइनें लिख के इंस्टा पे भी डाला था मुझे, और बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस बनाए थे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सेलिब्रेशन तो होता रहता है, लेकिन जब आपके साथ मिल के इतना अच्छा मोमेंट सेलिब्रेट जब किया तो और मज़ा आया। सो दिल से धन्यवाद, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके लिए बहुत सारा प्यार है और आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए। ठीक है, तो ये देखो एनसीसी का भी मैंने वीडियो डाला था, वो भी आप देख लियोगे। ये पोस्ट है, लिखा हुआ है, उम्मीद है आप सभी अच्छे हो, कल तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे सबसे पहले सटीक। फिर लिखा है नोट में, अपनी प्रॉब्लम्स कॉमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर कॉमेंट आया हुआ है 489। ठीक है, ये होता है 489 कमेंट्स आया है, तो हम लोग कमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कमेंट्स है, सर बीएफए प्रेफरेंस एंट्री में गलत क्वालिफिकेशन मार्क्स फील हो गया है, करेक्शन कैसे करें, मुझे इतना लिखना था बट वहां इतना हो गया है। आपको हेल्प डेस्क पे जाना है, अपना ओरिजिनल 12th के मार्कशीट के साथ उनको क्या करना है, मेल कर देना है कि सर बाई मिस्टेक ही हो गया, अपना एप्लीकेशन नंबर उनको दे देना, अपना पासवर्ड भी उनको मेल कर देना, जिससे कि वो आपका ये करेक्शन सही कर पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, उसके बाद है वीवॉक का कट ऑफ, मैक्सिमम वीवॉक के कट ऑफ ही यहाँ फिल भरे हुए हैं। देखो वीवॉक का जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो अलग अलग स्ट्रीम के टीचर्स के पास है, और अभी कुछ के स्टार्ट हुए हैं, कुछ के स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ के राउंड्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि वीवॉक के बच्चों के लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा, आप लोग कमेंट भी कर देना कि अभी तक आपको वीवॉक का क्या क्या अपडेट मिला है और क्या क्या अपडेट आपको चाहिए। ठीक है, जिससे कि मैं आपको बता सकूं। बीए आर्ट्स में वेटिंग दिखा रहा है, एफएमसी 295 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सीट मिलेगी कि नहीं। सर इनका नाम है सुयस, इसका मतलब ये लड़के हैं, और लड़कों का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अभी भी कटाव इतना डाउन नहीं गया है। हाँ, अगर लड़की होते तो आपका 290 आज वाले कटाव में आने वाला है, मैं आपको पहले का ही बता दे रहा हूँ, मतलब अपडेटेड कटाव जो कि अभी रिलीज भी नहीं हुआ है। सर सेकेंड राउंड से ही वेटिंग शो कर रहा है, क्या रेगुलर सीट में राउंड नहीं आएगा बी आर सोल साइंस का? देखो आप अपने मार्क्स को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग पहले सुनो, जितने लोग का वेटिंग शो कर रहा है अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वेटिंग का मतलब क्या होता है? वेटिंग का मतलब होता है वो लोग अपने एडमिशन के लिए रिजर्व बच्चों के को पहले से ही वेटिंग शो करा रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं हूँ एडमिशन कमेटी, ठीक है, और मेरे पास 5 सीट पर एडमिशन लेना है, और जब मैं 5 लोगों को पेमेंट करने के लिए भेजता हूँ कि भाई 5 लोग आप लोग पेमेंट कर दो, और आपको 24 घंटे या 48 घंटे दिए जाते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं उन 5 बच्चों में भी जो अपना पेमेंट नहीं करेंगे। तो बीएचयू को ये पहले से ही आइडिया रहता है कि 5 में से 5 पेमेंट कभी नहीं आएगा, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है कोई ना आए। अब ऐसे में बीएचयू अपना प्लान करके रखता है कि जैसे ही ये 5 बच्चे पेमेंट नहीं करेंगे, या इसमें से 3 बच्चा पेमेंट नहीं करेगा, या 2 बच्चा पेमेंट नहीं करेगा, तो वो तुरंत आगे के 5 बच्चों के लिए रिजर्व जो रखे हैं उसमें से 3 बच्चों को वो लोग पिकआउट कर लेते हैं। अब बात आती है कि सर लोग कितने लोग को रिजर्व रखते हैं? लगभग चांस होता है कि ये लोग 2 टाइम्स लोगों को रिजर्व रखते हैं, यानी कि यदि आपका वेटिंग शो कर रहा है तो ऐसे में आप कम से कम अपने एडमिशन से 2 कदम पीछे हो। मैं आपको बता दूं कि वेटिंग का मतलब लगभग चांस क्लियर भी होता है और कभी कभी नहीं भी क्लियर होता है।
ये सबसे बड़ा समस्या रहता है बीएचयू एडमिशन कमेटी का। ये एक डीमेरिट है कि वो बच्चों को वेटिंग शो करा देते हैं और कई महीनों तक वो शो ही करता है, वो क्लियर नहीं होता है। और मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ, जब मेरा एडमिशन हो रहा था बीएचयू में तो मेरा खुद वेटिंग गया था, जबकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे उस समय, फिर भी वेटिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोग जो अलाटमेंट चलाते हैं तो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चलाते हैं, कहीं ना कहीं भाई हो सकता है मेरे जो प्रेफरेंस हो वो उसमें इस टाइप के प्रेफरेंस भरे गए हों कि पहले ही तुरंत मेरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो। कई बार क्या होता है कि अलाटमेंट ऊपर से चालू कर देंगे, सपोज की रिजर्व जो कैटेगरीज होती है पीएच वालों के लिए, अब वो पीएच को जैसे ही चालू करेंगे उनका विंडो ओपन हो गया, अब वो सबको शो करने लगेगा कि हाँ अलाटमेंट जाने वाला है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग के जो सेमेस्टर मार्क्स होते हैं उसमें हम लोग का मार्क्स आने से पहले वहां स्टार दिखाने लगता है, इट मींस कि पोर्टल ओपन हो गया है, टीचर्स आपका मार्क्स कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में चढ़ाने वाला है। तो उसी तरीके से यहां भी होता है कि आपका वेटिंग कई रीजन से शो करता है, एक कि आपको रिजर्व रखा गया है, दूसरा कि आपके अच्छे मार्क्स हैं फिर भी वेटिंग दिखा रहा है क्योंकि उन्होंने बाकी कैटेगरीज का चालू कर दिया है, जैसा मेरे साथ हुआ था। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। बाकी हम लोग देखते हैं एनसीसी में ए बी और सी सर्टिफिकेट का अलग अलग क्या इंपॉर्टेंस है। राज नंदिनी का कमेंट है, सी सर्टिफिकेट जो है वो एनसीसी का सबसे हाई क्वालिटी वाला या फिर सबसे स्टार्टम जो सर्टिफिकेट होता है वो माना जाता है। इस सर्टिफिकेट के बाद आप डायरेक्टली एसएसबी का इंटरव्यू दे सकते हो, आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे सी सर्टिफिकेट लगा के आप फायदा उठा सकते हो। इतना ही नहीं, आने वाले समय जो आप पीजी एंट्रेंस दोगे तो उस समय भी आप अपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगा के 5-6 नंबर 10 नंबर ऐसा कुछ होता है जो आपको एज ए ऑफर पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राउंड डीएवी कॉलेज का कट ऑफ कितनी जाएगी, इनका जो कमेंट है मैं बता दूं कि ये लिस्ट ऑलरेडी है, बस मैं वीडियो नहीं बनाया हूं, थोड़ी देर में आपको मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, मैं बना दूंगा भैया। हॉस्टल अलॉटमेंट सोशल साइंस, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिन्हा जी का कॉमेंट्स पढ़ते हैं, इन्होंने हॉस्टल की बात करी है। आपको मैं बता दूं पीएच को हॉस्टल अलॉटमेंट चालू हो गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बाकी के भी कुछ ऐसे कोर्स हैं जैसे कि बी एल एल बी है जिनका कोर्स चलने लगा, मतलब उनकी इंट्रोडक्टरी क्लास चलने लगी है। तो ऐसे में आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो कि पीएच को सबसे पहले हॉस्टल देते हैं। पीएच का मतलब होता है दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों को 100% हॉस्टल भी मिलता है। जैसे कि अगर 3% सीट पे 100 में से 3 लोगों ने पीएच एडमिशन लिया है तो उन पूरे 3 बच्चों को वो लोग हॉस्टल जरूर देते हैं, और हॉस्टल में सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होता है उन्हीं को दिया जाता है जिससे कि उन्हें आने जाने में समस्या ना हो। तो अभी पीएच को हॉस्टल अलॉट शुरू हो गया है। जब आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, कुछ फैकल्टीज जो है वो बहुत लेट हॉस्टल अलॉटमेंट करती हैं, जैसे बी आर सोशल साइंस, अब इन लोग का तो एडमिशन ही अभी कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। इन लोग का 7th राउंड आज एफएमसी के लिए आने वाला है और 10 राउंड देखना कम से कम जाएगा, क्योंकि इस बार एडमिशन इस तरीके से हो ही रहा है कि 10 राउंड चलाना ही पड़ेगा इनको। और ऐसा ही नहीं, लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए बहुत कम मार्क्स पे भी ऑफर चला जाए। भाई जब कोई लेना ही नहीं चाहेगा एडमिशन, अब बात आती होगी कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते। ये बात सत्य है, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अब चाइनीज लेके कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको लेके नहीं पढ़ना चाहोगे, तो अब वो एडमिशन सीट पे कोई लेगा नहीं। ऐसे में वो लोग राउंड पे राउंड, और एक दिन क्या होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करो 50 लोग को भेजो, देखो उसमें कौन लेना चाहता है। तो ये बात है, अभी वो फिलहाल उसको बहुत रूल से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक लास्ट में आता है मॉपअप राउंड जो कि बैलेंस करने के लिए होता है, तो वो लोग राउंड चला देंगे। ठीक है, तो आपका हॉस्टल का समझ में आ गया। आप लोग कमेंट अगर करोगे तो मैं आपको, जैसे कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे हॉस्टल और टी शर्ट को लेके कि सर बीएचयू का टी शर्ट कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिनको भी टी शर्ट और हॉस्टल चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, टी शर्ट वाला हॉस्टल वाला दोनों अलग अलग है। आप लोग अगर टी शर्ट बस चाहते हो तो टी शर्ट वाला ज्वाइन करना, हॉस्टल चाहते हो तो हॉस्टल ज्वाइन करना। उसमें मैं आपको कुछ ऐसे लोग से कॉन्टेक्ट करा दूंगा
या फिर बीएचयू पाठशाला पे ही उनको ला दूंगा, उनको ऐड कर दूंगा, जिससे कि वो आपको बहुत ही अच्छे, क्योंकि देखो बीएचयू में से बहुत सारे लोग हैं जो टी शर्ट बनाते हैं, बीएफए फैकल्टी के बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो टी शर्ट ही बनाते हैं, तो वो लोग आपको ट्रैक सूट पे या टी शर्ट पे प्रिंट करके आपका नाम और जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या जो भी फैकल्टी है वो लिख के आपको दे देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, बाकी का प्रोसीजर हम बता देंगे। हाँ, लेकिन एक तो कॉमेंट भी करना कि हाँ टी शर्ट चाहिए, अगर बहुत लॉयल कमेंट लगेगा तो हम लोग इस पर, क्योंकि एक तरह से वो बिजनेस है और उस बिजनेस को तभी हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ कम से कम उनको कुछ यहाँ फायदा हो सकता है। अब एक दो टी शर्ट प्रिंट करने का कोई मतलब निकलता नहीं है, जब 1500 बच्चे अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसका रेट बहुत कम हो जाता है, प्रिंटिंग का जो रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉकिंग प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है और एडमिट कार्ड आने में। लॉकिंग प्रोसीजर में कभी कभी बच्चे कम होते हैं इस डिपार्टमेंट फैकल्टी में तो 5 घंटे में ही हो गया, कभी कभी 24 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे में हो जाता है। आप लोग ध्यान दिया करो कि मेल करने के बाद एक बार उन्हें कॉल भी कर दिया करो या उनको एक बार टेक्स्ट मैसेज डाल दिया करो, ठीक है, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि हाँ बच्चों ने जो है वो मेल किया हुआ है। और एडमिट कार्ड जो होता है वो भी वैसा ही है, 24 घंटे में लगभग आने की उम्मीद रहती है। ज़्यादा लेट होता है तो परेशान भी मत हुआ करो, क्योंकि अगर आपकी काउंसलिंग अभी चल रही है, मतलब आपके देख रहे हो कि उधर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है और इधर मेरे राउंड अभी चल रहे हैं, जैसे बीए वाले हैं, अब उनका कुछ बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं और उसी डिपार्टमेंट फैकल्टी में कुछ बच्चे अभी एडमिशन ले भी रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि जब आपका एडमिशन अभी चल ही रहा है तो आराम से इन लोग का चल ले दो, आपका बीच में कभी भी आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं मैं, आप लोग का लास्ट में खुद से लॉक होता है, अगर आप एकदम भूल जाते हो, कहते हो अच्छा छोड़ देते हैं यार जो होगा देखा जाएगा, तो लास्ट में वो जिस दिन देखेंगे कि हाँ आप एडमिशन लगभग क्लोज्ड है, वो खुद से आपका लॉक करके आपका एडमिट कार्ड इमीडिएटली रिलीज कर देंगे, तो ये भी होता है, ठीक है, मतलब वो सेल्फ लॉक्ड और सेल्फ एडमिट कार्ड रिलीज भी प्रोसेस होता है इसमें। हॉस्टल लोकेशन का यहाँ पे कमेंट है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ फैकल्टीज के अभी आ जाएंगे, कुछ फैकल्टीज का अभी लगभग एक महीना भी लग सकता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुनो, अभी बच्चों आप लोग क्या करना, जिन जो भी बीएचयू आना चाहते हैं, अच्छा ठीक है मैं इनका एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। हॉस्टल विवोक हॉस्टल, प्लीज सर टेल मी रियली नीड योर हेल्प। देखो जब आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे आप लोग इंस्टेंट इंस्टाग्राम किया करो, जिससे क्योंकि वहाँ पे स्क्रॉलिंग में कई सारे लोग होते हैं, तो आपका कॉमेंट जो है वो पिकआउट कर लेंगे और आपको एक नंबर भी दे देंगे जिस पर आप कॉल करके बात कर सकते हो। हाँ ठीक है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वाला कोर्स का मेरा अभी तक वेरिफिकेशन, एक्चुअली देखो इसके बहुत सारे राउंड भी आ चुके हैं, मार्क्स कम होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक है। उसका एमएमबी में एंटी रैगिंग, देखो एंटी रैगिंग और डोजियर फॉर्म जो है वो बीएचयू जब आना तो लंका है यहाँ पे, जहाँ पे आपका जो बड़ा वाला बीएचयू का गेट है वहाँ पे किसी भी साइबर पे आप जाके बोलोगे कि हमें एंटी रैगिंग 5 ठो 5 ठो डोजियर दे दो, वो आपको दे देगा और आराम से उसको फिलअप करके। एक बच्चा मेरे को बोल रहा है कि सर एंटी रैगिंग आप मैं कोर्ट से बनवा लूं, भाई इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, ये जस्ट प्रोफार्मा है जो बीएचयू ऑफिशियली रिलीज करता है, उसमें आपको अपना नाम लिखना रहता है, सिग्नेचर करना रहता है, फोटो लगाना रहता है बस, ठीक है, जिससे कि आप ये वेरीफाई कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर मेरे द्वारा कोई गलती होती विश्वविद्यालय में तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एंटी रैगिंग का मतलब समझते हो, रैगिंग का मतलब होता है कि आप किसी को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से उन्हें परेशान कर रहे हो, अगर वो कंप्लेन करता है तो आप पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, इतना ही नहीं बीएचयू से निकाला भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी केस हुआ नहीं, बहुत कम ही होता है। और आप लोग अच्छे बच्चे ऐसा क्यों करोगे, तो एक जस्ट प्रोफार्मा है जिसको भरना रहते हैं, ये प्रोफार्मा कहीं भी आपको मिल जाएगा साइबर पे, ठीक है। अब आता है मेन कैंपस का कितना अलॉटमेंट हुआ अभी तक, 7वां आने वाला है, आज आ जाएगा 7वां, ठीक है। सोशल साइंस की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, अभी बहुत लगभग देखो अभी एडमिशन ही चल रहा है तो एडमिशन के बाद ही चालू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 300 एमएमबी, आज सानवी मौर्य आज जो आने वाला है इसमें आपको एमएमबी मिल जाएगा, अगर आपका 300 है तब, ठीक है, आज वाले में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है वेरिफिकेशन कंप्लीट बट नाइदर रिजल्ट पब्लिश नॉर कोर्स एलोकेशन, बट क्या नाम है अर्पिता, ठीक है अर्पिता, मैं आपको अभी ऊपर एक किसी को कॉमेंट के थ्रू बताया कि वेरिफिकेशन कंप्लीट मतलब एडमिशन कभी होता भी नहीं है, तो ऐसे में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आप ये भी मत सोचो कि वेरिफिकेशन हो गया तो एडमिशन क्यों होगा, हाँ लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ऐसे में आपका एडमिशन होना चाहिए था, ठीक है। और अब मुझे मार्क्स आपने कमेंट किया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, बाकी आप लोग पूछ लेना अपने सब्जेक्ट्स के साथ तो मैं बता दूंगा, ठीक है भैया। एफिलेटेड का मिनिमम कट ऑफ बता दीजिए, एसटी का तो आई थिंक 70 के आसपास पहुंच चुका है एफिलेटेड का, एसटी का
और बाकी मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था थर्ड राउंड एफिलेटेड कॉलेज का, जिसमें बॉयज़ का अभी भी बहुत हाई है, आप लोग प्लीज़ एक बार देख लेना, वीडियो मैंने बनाया था, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 331, 400 जनरल कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट वेरिफिकेशन कंप्लीट, रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ लेकिन वेटिंग शो कर रहा है। सोशल साइंस देखो, एफिलेटेड कॉलेज के चांसेज में भी हो सकते हैं, चूंकि आपका नाम है सिंह, एक्चुअली आपके नाम में ये भी कंफर्म नहीं हो रहा, आप लड़का हो कि लड़की हो, अच्छा फीमेल कैंडिडेट, हाँ तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप और वेट करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सोशल साइंस की क्लासेस हो गया भैया, डीवी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, अभी तो एडमिशन चल रहा है यार। स्पोर्ट्स कोटा मैंने बता दिया, ओके, डीएवी बीवॉक का ठीक है बता ही दिया मैंने, आगे देखते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तनुज जी, इलाहाबाद का अभी ऑफिशियल कटा बन रहा है, बार बार लोग अपडेट दे रहे हैं उस पर, मेरे को भी बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, सर आज आ जाएगा कल आ जाएगा, हाँ बीएचयू पाठशाला पे आपको ज़रूर बताया जाएगा जैसे ही ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेड सीट का, पेड सीट का क्या है, पेड सीट का तो मैंने बता ही दिया आपको, और क्या कॉमेंट है, देवॉक का हो गया, ओके देखते हैं किसी का कुछ वैसा कॉमेंट है क्या। हाँ, GDPI के लिए मेल आया है, बट कौन से फैकल्टी में, देखो GDPI का जो मेल आया है उसमें अब आप एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, आप देखो पोर्टल पे है, एडमिट कार्ड में वेन्यू भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, आप उस टाइम पे जाके GDPI आराम से दे सक मतलब जाके दे देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ओके, स्पोर्ट्स कोटा, BA, फूड BA, सबका लगभग वैसा ही है, अभी किसी का कुछ कॉमन, सबका कॉमन ही दिख रहा है। एक बार BHU एफिलेटेड कॉलेज कटा पता है कितना जाएगा, ठीक है मैंने बता दिया एफिलेटेड वाला, कल वीडियो गया है देख लेना। उसके बाद है प्लीज़ हॉस्टल का बताइए, नो को फिजिकल वेरिफिकेशन, क्लास भी बन हॉस्टल का कौन सा करेंगे। स्नेहा, मैंने आपको बताया कि आप लोग टेलीग्राम, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको हॉस्टल को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप जिस जो एडमिन है उसमें जो नंबर दिख रहा है एडमिन, उसको आप एक बार मैसेज भी कर दो, ठीक है। बाकी आगे मैं देखूंगा कि अगर मास बच्चे हैं, मतलब मान लो 50-100 बच्चे हैं जिनको हॉस्टल चाहिए, तो एक बार मैं किसी हॉस्टल से बात करके आपको रिकमेंड कर देंगे, आप जाकर वहाँ हॉस्टल ले लेना, ठीक है। भैया प्लीज़ बता दीजिए NCC का फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है। अलग अलग विंग्स का अलग अलग डेट है, जैसे एयर विंग भी आ चुका है, नेवी भी आ चुका है, आर्मी भी आ चुका है, लगभग 9 से 11 के बीच में सबकी डेट रखी गई है। NCC जिनको भी करना है ध्यान से मेरी बात सुनो, आप लोग एडमिट कार्ड जो मिल जाता है वो एडमिट कार्ड लेके आप अपने उस NCC के क्वार्टर चले जाओ, मतलब जो भी उसका हेड क्वार्टर है, और वहां जाके आप अपना एडमिट कार्ड दिखा के फॉर्म लेके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, भैया BTech फूड टेक, देखो अभी बी जो आपका फूड टेक्नोलॉजी का है वो पब्लिश हो चुका है, बहुत मैं आपको बता दूं कि बच्चे कई बार मुझे कमेंट भी किए, तो जिनके कम मार्क्स हैं उनके होने की उम्मीद नहीं रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे है अपग्रेड हमारा आर्ट्स में, हमको AMPG में सीट मिला है और वेटिंग दिखा रहा है, तो क्या हम आर्ट्स में पेमेंट कर दिए। हाँ, इस टाइप के भी कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा सोशल में हो गया है आर्ट्स में आएगा, या आर्ट्स में हो गया है सोशल में आएगा, तो क्या दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, आप एक बार पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अब एफिलेटेड से आपका अगर मान लो मेन कैंपस में होता है, तो ऐसे में आपको पेमेंट हो सकता है दोबारा करने का आए, बाद में आपका पेमेंट रिटर्न होता है, लेकिन पेमेंट रिटर्न होने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब मान के चलो महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। उसका एक फॉर्म आता है, ठीक है, और आपको क्लेम फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो क्लेम फॉर्म भर के आप पेमेंट अपना रिटर्न करा सकते हो। तो अभी फिलहाल आप लोग का अगर पेमेंट से डर लग रहा हो कि सर मेरा सोशल में हुआ, अगर उसी मतलब एरिया में हो, जैसे कि मान लो आपका AMPG में हुआ था और अपग्रेड होके आपका VCW में, तो आप देखोगे अपने आप लिखा रहता है कैंसिल अगेंस्ट दिस और यू अलॉटेड दिस, मतलब आपको अपने आप ऑटोमेटिक वो कैंसिल होके दूसरा अलॉट हो जाता है। आप लोग एक काम और किया करो, अपने काउंसलिंग पोर्टल को लैपटॉप पे देखा करो, ठीक है, जिससे कि वो पूरा दिखा, पूरा वहां पे दिखे, ऐसा ना हो कि वो आपका पेमेंट आया और डेट हो गया आपको पता भी नहीं चला, ठीक है, और ये पेमेंट रिटर्न हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन,
ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स के आंसर मैंने दे दिए हैं। अगर इसके लगभग वीवॉक वालों का सबसे ज़्यादा कमेंट इसमें मुझे लग रहा है, वेटिंग वाला मैंने बता ही दिया है। गुरुजी वीवॉक का क्यों नहीं दे रहे हैं, वीवॉक का मैं देने लगूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, मैक्सिमम वीवॉक का ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई कॉमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट्स कर देना, या फिर आप सीधे मैसेज ही कर लेना इंस्टा पर। कुछ ज़्यादा लोग हो गए नहीं तो आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। सो बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियोस देखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और इस पे तो बहुत अच्छा विशेज आया और इस पे लाइक्स 1.3, वाह वेल डन। कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे इसमें, मैं कभी देख लिया करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा देख के। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया है बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियोस देखें। और याद देना, यहाँ पे एक नया चैनल भी हम लोग का हो गया है, ठीक है। ये देखो नीट दर्शन, यहाँ पे देखो इसको क्लिक करोगे ना तो ये देखो हम लोग का नया चैनल हो गया है। 618 अभी तक है इस पे। यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाला था कि मैंने नया चैनल क्यों बनाया है, तो आप लोग उसको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। हरे हर महादेव।